नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में पूर्व विधायक विजय पासवान की अगुवाई में पैदल मार्च कर विरोध जताया। साथ ही राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। सुबह 12 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर योगी मोदी विरोधी नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट परिषद में बोलते हुए जिलाध्यक्ष लालजी ने कहा कि प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों के चलते कोरोना संकट बढ़ा। किसान, नौजवान, बुनकर और समाज के कमजोर वर्ग की अपेक्षा की गई। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया। भ्रष्टाचार व घोटालों पर कोई नियंत्रण नहीं आदि समस्याओं को गिनाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक विजय पासवान ने कहा कि अभी भी सरकार नहीं चेती तो अगली बार और वृहद घटना प्रदर्शित किया जाएगा। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। सपा ने विरोध व्यक्त किया है, क्या है पूरा मामला? आज ये विरोध प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में हर विधानसभा वाइज किया जा रहा है। पहला हर विधानसभा वाइज तहसील में किया जा रहा है, जो कि पहला हमारा कपिल वस्तु हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष लाल जी यादव भी इसमें आके अगुवाई किए हैं। इनकी अगुवाई में तमाम हमारे कपिल वस्तु विधानसभा के साथी और नौजवान साथी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इन्होंने पहले उन एक ही आह्वान पे उन्होंने पहुंचा है। आज पहला दिन का जो हम लोग का आंदोलन है, खाली इनको चेतावनी है यहाँ की भ्रष्ट सरकार, योगी सरकार को, इनके प्रशासन को। अगर अभी भी अगर होश में नहीं आए तो हम लोग जब बड़ा प्रदर्शन करेंगे पूरे ज़िले में, तो जिला प्रशासन हम लोग को संभाल नहीं पाएगी। और हाँ, जिसकी जिम्मेदारी पूरे प्रशासन की होगी। कल जब से पता चला है पुलिस प्रशासन सारे विभागों, कल हमारा कार्यक्रम है, तमाम बड़े अधिकारी दबाव बनाने की कोशिश किए कि प्रमुख मांगे क्या है जिसको लेकर आज आप लोगों ने प्रमुख मांगे हमारे समाज को, नौजवानों को लेकर है। ये संविधा पे जो उन्होंने नौकरिया संविधा पर करने के लिए ये लोग षड्यंत्र किए थे, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आह्वान पे डर के मारे घुटना टेक दिए हैं। तो प्रमुख मांगे हैं नौजवानों को, जो बेरोजगार हो गए हैं कोरोना में, तमाम मजदूर आए भूखे मर रहे हैं, इलाज कराने के पैसे नहीं है, स्वास्थ्य विभाग खराब है, सड़कें जर्जर हैं। तो आप जितना गिनाने जाएंगे तो घंटों लग जाएगा। क्या क्या मांगे, जितना मांगे हमारी सरकार ने किया है, मांग पत्र में दिया है, जितना हमारे अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक काम किया, हम चाहेंगे वो काम करके दिखावे। खाली उसे पत्थर लगाने से काम नहीं चलेगा। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेन मामला COVID-19 जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी मांग हो। केंद्र सरकार की जो बिजली बिल, जो केंद्र सरकार की जो खेती पूंजीपतियों को देने की व्यवस्था की केंद्र सरकार कर रही है, उसके खिलाफ ये धरना है। समाजवादी पार्टी की ये मांग है पूरे जिले की जो जर्जर सड़कें हैं उसको तत्काल ठीक कराया जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था जो पूरी तरह चरमरा गई है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री इसी जिले से संबंधित हैं, उनके रहने के बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, उसके सुधार की मांग की जा रही है। पुलिस उत्पीड़न का की जांच हो और जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रधानों को चुनाव नज़दीक आते देखकर फर्जी मुकदमे में 307 गंभीर मुकदमे में 308 पर फर्जी तरीके से केस किया जा रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। फर्जी जो निर्दोष कार्यकर्ता हैं या आम जनता जिसके खिलाफ फर्जी मुकदमे हो उसको ठीक किया जाए। विरोध स्वरूप हम न्यायिक मांग करेंगे। अगर जिला अधिकारी या जिला से संबंधित अधिकारी हमारी यह मांग के पर विचार नहीं करेंगे या कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ पुनः अक्टूबर में समाजवादी पार्टी जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करेगी और घेराव लोकतांत्रिक तरीके से COVID-19 का पालन करते हुए घेराव करेगी। और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालय पर धरना देकर उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को बाध्य करेगी कि जनता को सही न्याय और सही चिकित्सा सुविधा दे सके।